हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर महत्वपूर्ण लवण यानी इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स लेकर आया हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है महत्वपूर्ण लवण यानी इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स। सो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गर्म करने पर साल अमोनिक यानी नौसादर विघटित हो जाता है निम्न में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया हुआ N2HCl में, ऑप्शन बी दिया हुआ N2 और Cl2 में, ऑप्शन सी दिया हुआ N2 और O2 में, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ, ऑप्शन डी दिया हुआ NH3 और HCl में। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको नौसादर का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको नौसादर का केमिकल फॉर्मूला याद है तो आप बहुत इजी वे पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, नौसादर का केमिकल फॉर्मूला हमारा होता क्या है, ये हमारा होता है NH4Cl, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है नौसादर का। और फ्रेंड्स, नौसादर का केमिकल नेम क्या होता है यानी रासायनिक नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब इसको हम गर्म करेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा NH3+HCl में टूट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। किसमें टूट जाएगा, NH3 और HCl में, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विघटित हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे NH4 था, तो फ्रेंड्स H4 था हमारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे NH3 हो गया, ठीक है। और प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे H तो हमारा 4 था, तो एक H हमारा बच गया था, वो हमारा चला गया Cl के साथ यानी क्लोरीन के साथ, तो हमारा क्या हो गया HCl। तो फ्रेंड्स किसमें विघटित हो गया हमारा, ये हमारा विघटित हो गया NH3+HCl में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं हमारा NH3 और HCl कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन डी में। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी NH3 और HCl, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये हमारा विघटित हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नौसादर का रासायनिक नाम है, क्या पूछा हुआ है फ्रेंड्स हमसे, हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि नौसादर का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है अमोनियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी दिया हुआ है अमोनियम ब्रोमाइड, और ऑप्शन डी दिया हुआ है अमोनियम आयोडाइड। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी अमोनियम क्लोराइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड और नौसादर का केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है NH4Cl होता है। तो फ्रेंड्स लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे Cl लिखा हुआ है, Cl मतलब क्लोराइड ही तो हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा क्लोरीन होता है, और यहाँ पे NH4Cl जब बन जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला याद है तो आपको रासायनिक नाम भी बहुत इजी वे पे याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक सजेशन देता हूँ फ्रेंड्स, आप नौसादर का केमिकल फॉर्मूला और इसका केमिकल नेम जरूर याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा है कि आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है Na2CO3, ऑप्शन बी दिया हुआ है HCl, ऑप्शन सी दिया हुआ है NaCl, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ, ऑप्शन डी दिया हुआ है CaCl2। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी Na2CO3, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यानी सोडियम कार्बोनेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बस आपको ये देखना कि कहाँ पे हमारा कार्बोनेट साथ में आ रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे CO3 आ रहा है, कार्बोनेट CO को ही तो बोलते हैं फ्रेंड्स, CO3 हमारा आ रहा है। तो फ्रेंड्स बस आप इसी से इसको याद कर सकते हैं कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है हमारा, ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है इस बार आपसे पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स पूछा कि पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है CaCl2 का, ऑप्शन बी दिया हुआ है CuCl2 का, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ, ऑप्शन सी दिया हुआ हमारा CaOCl2, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है NaCl का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी CaOCl2। तो फ्रेंड्स CaOCl2 हमारा होता क्या है, तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है विरंजक चूर्ण, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है विरंजक चूर्ण। तो फ्रेंड्स पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका
प्रयोग करते हैं तो फ्रेंड्स हम प्रयोग करते हैं विरंजक चूड़ का यानी CaOCl2 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे केमिकल फॉर्मूला के रूप में पूछ लिया गया है, कभी कभी ये आपसे पूछ लेता कि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया रहता है, यहाँ पे आपको विरंजक चूर्ण लिखा हुआ भी मिल सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि पेय जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए निम्न का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन में आपको विरंजक चूर्ण भी लिखा हुआ यहाँ पे मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसको याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स CaOCl2 हमारा क्या होता है, ये हमारा विरंजक चूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2, इसका प्रयोग हम पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण तनु अम्लों से अभिक्रिया करके निम्न गैस देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है O2, ऑप्शन बी दिया हुआ है H2S, ऑप्शन सी दिया हुआ है Cl2 और ऑप्शन डी दिया हुआ है HCl। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछ लिया है और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि विरंजक चूर्ण तनु अम्लों से। तो फ्रेंड्स तनु अम्ल से हमारा तात्पर्य किससे है, तो तनु अम्ल से हमारा तात्पर्य है H2SO4 से। किससे हमारा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम तनु अम्ल कहते हैं। तो फ्रेंड्स तनु अम्ल से तात्पर्य हमारा किससे है, H2SO4 से है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि हम तनु अम्ल किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं H2SO4 से। H2SO4 को हम क्या कहते हैं, ये हम इसको कहते हैं तनु अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, और किससे कह रहा, विरंजक चूर्ण। तो फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है CaOCl2। ठीक है फ्रेंड्स, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और तनु अम्ल हमारा क्या होगा, H2SO4। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा, H2SO4। तो फ्रेंड्स इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन करने पे हमारा क्या आ जाएगा, तो फ्रेंड्स रिएक्शन करने पे हमारा आ जाएगा CaSO4, CSO4 हो जाएगा प्लस H2O प्लस क्लोरीन गैस यानी Cl2। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कौन सी गैस दे रही है हमारी, दे रही है Cl2। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं CaOCl2 प्लस तनु अम्ल से अभिक्रिया करने को कह रहा है, तो तनु अम्ल हमारा होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, H2SO4 हमने कर दिया और फ्रेंड्स जब इसकी हमने रिएक्शन कराई, रिएक्शन करने पर हमारा क्या आ गया, CaSO4 आ गया। तो फ्रेंड्स CaSO4 क्या होता है हमारा, तो फ्रेंड्स CaSO4 हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा क्या बन गया, उसके बाद हमारा बन गया प्लस H2O और लास्ट में हमारा क्या बचा, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी Cl2। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा गैस देता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा देता है क्लोरीन यानी Cl2 गैस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे तनु अम्ल लिखा हुआ है ये किसको डिनोट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है H2SO4। अगर ये आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन आप बहुत ही ईजी वे पे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें सीधे सीधे रिएक्शन करवा देनी थी, विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 प्लस तनु अम्ल हमारा हो गया H2SO4 हो गया। तो फ्रेंड्स हम दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा CaSO4 हो जाएगा हमारा, CaSO4 हो गया प्लस बचा क्या हमारा, बचा H2O हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, क्लोरीन गैस यानी Cl2। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, तो फ्रेंड्स हमें कौन सी गैस मिल गई, ये हमें मिल गई Cl2 मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा यौगिक शुष्क अवस्था में सफ़ेद तथा क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का होता है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है CuSO4, ऑप्शन बी दिया हुआ है Na2SO4, ऑप्शन सी दिया हुआ है Al2SO4 का होल थ्राइस और ऑप्शन डी दिया हुआ है CaSO4। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। तो फ्रेंड्स जो कॉपर सल्फेट होता है ये शुष्क अवस्था में सफ़ेद तथा क्रिस्टलीय जल के साथ नीले रंग का होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद कर लेना है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से अम्लीय लवण है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से हमारा अम्लीय लवण है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है NaCl, ऑप्शन बी दिया हुआ है NaHSO4 और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ, ऑप्शन सी दिया हुआ है Na2SO4 और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ, ऑप्शन डी दिया हुआ है KCN। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी NaHSO4। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या, ये हमारा अम्लीय यौगिक है। तो फ्रेंड्स चाहिए आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा क्या हुआ, लिखा हुआ NaHSO4, Na का मतलब हमारा क्या हो गया ना, Na का मतलब हो गया ना,
और एच एस का मतलब हमारा क्या हो सकता है, हस हस, और ओ लिखा हुआ है तो ओ हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा हमारा क्या, ना हस ओ, ना हसो। तो फ्रेंड्स अगर आप इस ट्रिक से याद कर लेते हैं ना हसो, तो फ्रेंड्स कहीं भी आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपसे पूछेगा निम्न में से अम्लीय लवण है, अगर आपके ऑप्शन में NaHSO4 दिया हुआ है तो आपको बहुत इजी वे पे ये याद हो जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaHSO4। अगर फ्रेंड्स अगर आप बिना ट्रिक के इसको याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड्स हम भूल जाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे NaHSO4 लिखा हुआ है। अगर फ्रेंड्स ये नहीं याद रहता, अगर आप ये याद कर लेते हैं ना हंसो, ना हंसो अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो फ्रेंड्स तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी NaHSO4। तो फ्रेंड्स आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यानी अम्लीय लवण हमारा क्या हो जाएगा NaHSO4। और अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ना एन लिखा हुआ एन से हमारा ना हो जाएगा, एच एस लिखा हो जाएगा हस, और ओ तो लिखा हुआ है तो हसो हो जाएगा ना हसो। तो फ्रेंड्स ट्रिक से याद कर लेंगे तब भी आपको इजी वे पे याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धावन सोडे का सूत्र है, क्या पूछा हुआ है हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि धावन सोडे का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है Na2CO3, ऑप्शन बी दिया हुआ है Na2CO3.10H2O, ऑप्शन सी दिया हुआ है Na2SO4, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ, ऑप्शन डी दिया हुआ है Na2SO4.10H2O। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी Na2CO3.10H2O। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धावन सोडे का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारा केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2O। और फ्रेंड्स इसका केमिकल नेम क्या होता है धावन सोडे का, यानी रासायनिक नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये हमारा इसका केमिकल नेम होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसका केमिकल नेम भी याद कर लेना है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है Na2CO3.10H2O। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा हुआ है यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लेड से खून बहने लगे, यदि दाढ़ी बनाते समय ब्लेड से खून बहने लगे तो उसे रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया हुआ है Na2CO3, ऑप्शन बी दिया हुआ है NaCl, ऑप्शन सी दिया हुआ है K2SO4, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ हमारा K2SO4.Al2SO4.24H2O। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी K2SO4.Al2SO4.24H2O। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये हमारा फिटकरी का केमिकल फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है ये हमारा फिटकरी का केमिकल फार्मूला है। तो फ्रेंड्स आप सबको मालूम होगा कि दाढ़ी बनाते समय अक्सर जो हम नाई होता है वो फिटकरी का यूज़ करता है, ये आप सबको पता होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी K2SO4.Al2SO4.24H2O। तो फ्रेंड्स किसका यूज़ करता है, फिटकरी का यूज़ करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला याद रहेगा तो फ्रेंड्स बहुत ईजी वे पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला दे दिया हुआ था और ये हमसे पूछ लिया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन में कभी कभी फिटकरी भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी K2SO4.Al2SO4.24H2O। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में पूछा भी गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन हमसे घुमा के पूछ लिया हुआ है। फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीले थोथे का क्या पता होना चाहिए, इसका हमें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स पूछा है कि नीले थोथे के एक अणु में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स नीले थोथे का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा होता है सी यू होता है SO4 CuSO4.5H2O। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या होता है, ये हमारे नीले थोथे का केमिकल फॉर्मूला होता है। और फ्रेंड्स इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो फ्रेंड्स केमिकल नेम भी आप याद कर लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका केमिकल नेम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या होता है फ्रेंड्स केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट मतलब यहाँ पे 5 लिखा हो तो 5 का मतलब हमारा पेंटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, नीले थोथे में एक अणु में क्रिस्टलन जल के साथ अणुओं की संख्या होती है, क्रिस्टलन जल के साथ,
जल के साथ। तो फ्रेंड्स जल हमारा कहाँ पे है, एच है, यहाँ पे हमारा एच है, ठीक है फ्रेंड्स। और एच के साथ हमारे कितने हैं, फाइव है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइव एच टू ओ, कितने अणु हैं हमारे, पाँच हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एच टू लिखा हो तो फ्रेंड्स एच टू ये तो इसका फॉर्मूला ही होता है एच टू ओ, और इसके साथ अणु कितने हैं हमारे, अणु है हमारे पाँच, यानी फाइव एच टू ओ। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पाँच, ठीक है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी पाँच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आपको यही देखना है, जो हमारा पाँच लिखा हुआ है यही हमारे क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको नीले थोते का केमिकल फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे पर सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फाइव यानी पाँच, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपको इस क्वेश्चन पर ध्यान देना कि हमें फॉर्मूला बेस पर हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन निम्न में से कैसा होता है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन निम्न में से कैसा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है दुर्बल अम्लीय होता है, ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रबल अम्लीय, ऑप्शन सी दिया हुआ है क्षारीय, और ऑप्शन डी दिया हुआ है उदासीन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, कैसे इसको हम इसका रिएक्शन कैसे करवाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, तो फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है Na2CO3, ये हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, और किसके साथ कह रहा है, जलीय विलयन के साथ। तो जलीय विलयन के साथ प्लस 2H2O, हम इसकी 2H2O से रिएक्शन करवा दें Na2CO3.2H2O, और फ्रेंड्स ये हमें देगा क्या, जब फ्रेंड्स इसकी हम रिएक्शन करवा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2NaOH आ जाएगा, क्या आया, 2NaOH प्लस H2CO3, क्या आ जाएगा हमारा H2CO3, ये हमारा इसका रिएक्शन आ जाएगा रिएक्शन करवाने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं जो हमारा NaOH होता है 2NaOH आ रहा है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा NaOH होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रबल क्षार होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा होता है प्रबल क्षार। तो फ्रेंड्स जब मैं आपको अम्ल क्षार पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको अच्छे डिटेल से बताऊंगा कि NaOH हमारा प्रबल क्षार क्यों होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा प्रबल क्षार होता है, तो फ्रेंड्स जब हमारा NaOH प्रबल क्षार है तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या हुआ, क्वेश्चन में पूछा कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन निम्न में से कैसा होता है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, NaOH हमारा प्रबल क्षार है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रबल क्षार है। तो फ्रेंड्स विलयन हमारा क्या हो जाएगा, विलयन भी हमारा क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में हमें क्षार ये कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन निम्न में से कैसा होता है, ये हमारा होता है क्षारीय। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसकी रिएक्शन याद करनी है रिएक्शन भी याद कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी क्षारीय होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हो कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बुझे हुए चूने का केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है CaOH का होल ट्वाइस, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, ये हमारा बुझे हुए चूने का केमिकल फॉर्मूला होता है। और क्या कह रहा है, क्लोरीन प्रवाहित करने पर, तो क्लोरीन मतलब Cl2 हमने प्रवाहित कर दी तो हमें क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये हमारा हो जाएगा CaO Cl2 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा बन क्या रहा है, हमारा बन रहा है CaOCl2। तो फ्रेंड्स CaOCl2 हमारा होता क्या है, ये हमारा होता है विरंजक चूर्ण होता है, क्या होता है हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा होता है विरंजक चूर्ण। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि यहाँ पे विरंजक चूर्ण कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विरंजक चूर्ण, यानी बुझे हुए चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2, ये हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको केमिकल फॉर्मूला याद रहेगा बुझे हुए चूने का और क्लोरीन का, बुझे हुए चूने का क्या होता है हमारा CaOH का होल ट्वाइस होता है, OH का क्या हो गया हमारा CaOH का होल ट्वाइस हो गया, क्लोरीन का हमारा Cl2 होता है। तो फ्रेंड्स रिएक्शन होगा, ये हमारा बन जाएगा CaOCl2 और प्लस H2O में ये हमारा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा बना क्या, हमारा बना हमारा CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि ऊर्ध्वपातज है। तो फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातज है, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको, जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर बताया हुआ था केमिस्ट्री का उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, तो ऊर्ध्वपातज क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी NH4Cl। तो फ्रेंड्स जो हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है यानी नौसादर होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऊर्ध्वपातज होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी NH4Cl।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग अग्निशामक के रूप में होता है। क्या पूछा है हमसे, पूछा है कि निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग अग्निशामक के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बेकिंग सोडा। किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा का जो प्रयोग होता है हमारा, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं हम अग्निशामक के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है फ्रेंड्स इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा होता है NaHCO3। और इसका केमिकल नेम क्या होता है फ्रेंड्स, इसका केमिकल नेम हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बेकिंग सोडा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि पोटाश एलम का सही सूत्र है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोटाश एलम लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये पोटाश एलम होता क्या है। तो फ्रेंड्स पोटाश एलम हम फिटकरी को ही कहते हैं, किसको कहते हैं, फिटकरी को ही हम क्या कहते हैं, पोटाश एलम कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए इसने ऐसा नाम लिख दिया है कि अब बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे पोटाश एलम लिखा है, तो पोटाश एलम ये हमारा फिटकरी का ही नाम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम पोटाश एलम के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप याद कर लीजिएगा, फिटकरी को हम पोटाश एलम के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फिटकरी का हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4.24H2O। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी K2SO4.Al2SO4.24H2O। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बस आपको ये पता होना चाहिए कि पोटाश एलम हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं फिटकरी को। किसको कहते हैं, हम इसको कहते हैं फिटकरी को, हम क्या कहते हैं, पोटाश एलम या। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका फ्रेंड्स रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स, इसका आप रासायनिक नाम भी याद कर लीजिएगा फिटकरी का, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको फिटकरी का रासायनिक नाम पता रहेगा तो आप बहुत ईजी वे पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है तो फ्रेंड्स ये भी आप बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स फिटकरी का रासायनिक नाम हमारा क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स आप रासायनिक नाम को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमारे करीब 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। फ्रेंड्स अभी भी हमारा चैप्टर महत्वपूर्ण लवण यानी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जितने आज केमिकल फॉर्मूले बताए हैं और केमिकल नेम्स बताए हैं फ्रेंड्स आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमारे फॉर्मूले काफ़ी दिए हुए हैं, केमिकल फॉर्मूले दिए हुए हैं और केमिकल नेम्स भी दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इनको याद कर लेंगे तो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स आप ईजी वे पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।